तो आज हम एनालिसिस करने वाले हैं कैडिला हेल्थकेयर लिमिटेड का जो शेयर है कैडली उसका। तो यहाँ पर इसने ओपन होने के बाद में 401 का हाई बनाते हुए यहाँ से गिरावट दिखाई और जाकर लो बनाते हुए 384 का लो बनाया और 390 पे क्लोजिंग हुआ है। तो जानते हैं इस शेयर के बारे में और कैडिला हेल्थकेयर कंपनी के बारे में। कंपनी के बारे में हम थोड़ा सा इंफॉर्मेशन ले लेते हैं। जो करंट प्राइस है 396, जैसे कि अभी हमने कुछ देर पहले देखा 52 वीक हाई 411 रुपीज का ये शेयर बना चुका है। और अगर यहाँ पे डेट टू इक्विटी अगर हम देख रहे हैं तो 0.77 यानी बहुत ही कम है। स्टॉक का पी रेशो है 28.68 और रिटर्न ऑफ इक्विटी है 13.84। अगर हम सेल्स का ग्रोथ देखते हैं लास्ट इयर्स का तो 14.98 है। तो चलिए हम देखते हैं प्रॉफिट एंड लॉस। सबसे पहले देखेंगे हम लास्ट 4 इयर्स का इसका सेल। तो यहाँ पर देखिए लास्ट 4 इयर्स में मार्च 2017 में 9,376 था, वो बढ़कर 11,905, फिर 13,166 और 14,253। तो यहाँ पर अगर हम देख रहे हैं तो सेल ईयर बाय ईयर इंक्रीज होते हुए दिख रहा है। अब हम चलते हैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन रेशो की तरफ, सॉरी ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन परसेंटेज की तरफ। तो यहाँ पर देखिए इनका जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है तो 2016 में 25% था और वो जाके मार्च 17 में कम हुआ 20%। और एवरेज अगर हम देखते हैं तो मार्च 2017 से लेके तो इनका एस्टिमेटेड जो दिया हुआ है वो भी 20% है। यहाँ पर एक बात हम देखेंगे कि मार्च 19 और मार्च 2020 में इनका जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है ये कम हुआ है, ये हमें थोड़ा यहाँ पर इसका ध्यान रखना है। नेट प्रॉफिट की अगर हम बात करें तो इनका मार्च 2019 में 1849 करोड़ का इनका प्रॉफिट था, वो मार्च में 1177 करोड़ हुआ है। तो यहाँ पर इनका जो प्रॉफिट भी था वो कम हुआ है, लेकिन इनका एस्टिमेटेड जो प्रॉफिट हुआ वो 1327 है। अब हम क्वार्टरली रिजल्ट चेक कर लेते हैं। क्वार्टरली इनका सेल्स सबसे पहले हम देखेंगे लास्ट 4 क्वार्टर का इनका जो सेल है यहाँ पर, तो उसे हम प्रीवियस ईयर क्वार्टर के साथ टैली करेंगे। सितंबर 18 में 2961 था, जो सितंबर 19 में 3367 हुआ, दिसंबर 18 में 3578 हुआ, जो 19 में 3638 हुआ है। तो जैसे कि हम यहाँ पर देख रहे हैं जून 19 में इनका सेल था 3496
और जून 20 में ये 3640 हुआ है, तो सेल भी इस क्वार्टर में बढ़ चुका है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन की अगर हम बात करें तो सितंबर 19 से लेके तो जून तक इनका जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन था ये इंक्रीज किया है इन्होंने लास्ट 4 क्वार्टर से। अगर प्रीवियस ईयर क्वार्टर के साथ में अगर हम यहाँ पर इसका कंपेयर करते हैं तो सितंबर 18 में 23% था, जो कि यहाँ पर सितंबर 19 में इन्होंने कम किया 19% किया, और दिसंबर 18 में 23% था, जो कि यहाँ पर दिसंबर 19 में 19%, लेकिन जून 19 में इनका 18% था और जून 2020 में इन्होंने इंक्रीज करके 22% ये बढ़ा दिया है। नेट प्रॉफिट की भी अगर हम बात करें तो लास्ट 4 क्वार्टर में इनका जो प्रॉफिट है वो इंक्रीज होते हुए दिख रहा है। अभी जो आपको स्क्रीन पर दिख रहा है ये कैडिला हेल्थ केयर लिमिटेड का डेली चार्ट है। हम वीकली चार्ट पे चलते हैं और वीकली चार्ट पे हम चेक करेंगे, तो वीकली चार्ट पे इसने ऑल टाइम हाई बनाने के बाद यहां से करेक्शन देते हुए ये नीचे आ रहा है। अब हम चलते हैं डेली चार्ट पर। डेली चार्ट पर जाने से पहले हम यहां पर वीकली चार्ट पे एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करेंगे। ये जो रिसेंट लो था इसको हमने इस लो के साथ में यहाँ पर कनेक्ट कर दिया। अब हम चलते हैं डेली चार्ट पर। तो जैसे कि वीकली चार्ट पे हमने देखा कि वीकली चार्ट पे यहाँ पर सेलिंग है बहुत ज्यादा, अगर वीकली चार्ट जो अभी तक मेकिंग में है जैसे कि हम यहाँ पर देख पा रहे हैं, यहाँ पे डेली चार्ट पे अगर हम गौर से देखें तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर एक टॉप बनाया, उसके बाद हल्का सा यहाँ करेक्शन हुआ, करेक्शन होने के बाद फिर से यहाँ एक सेकंड टॉप बनाया, फिर से यहाँ से करेक्शन हुआ और करेक्शन होने के बाद यहाँ थर्ड इन उसने टॉप बनाया और उसके बाद फिर से करेक्शन देने के बाद स्टॉक वीकली ट्रेंड लाइन पे आता है और यहां से उसने एक नया ऑल टाइम हाई बनाया हुआ है।